ਭਾਈ ਰੋਤ ਕੁਛ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਡੋਲ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਥੀ ਗੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ये मंगला डैम है सारा ये आपका बर्थडे गिफ्ट है थैंक यू सो मच इसकी कोई जरूरत वैसे नहीं थी थैंक यू सो अस्सलाम वालेकुम खावतीन हज़रात जेजेसी फूड की तरफ से आपका होस्ट जवाद जावेद चौधरी अलवर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी आज मौजूद होंगे उनको पूरा मीरपुर हमने विजिट करवाना है मीरपुर के अच्छे अच्छे खाने उनको खिलवाने हैं तो अभी आप मेरे साथ रहें मैं थोड़ी देर तक आपको उनसे मिलवाता हूँ और फिर आज का दिन स्पेशल बनाते हैं अच्छा जी जिस गेस्ट के बारे में आपको मैं बता रहा था वो भी मेरे साथ हैं आप सब उनको जानते होंगे और अभी हम आए हैं नाश्ता करने के लिए मेरे साथ हैं साकिब मुबीन भाई साकिब भाई कैसा लग रहा है आपको पहला स्पॉट नाश्ते का जो है कैसा माहौल यार पहला स्पॉट जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है इसकी पूरी बड़ी कमाल की लगी है पूरी देख के ना मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार किस लेवल की चीज़ होगी एक तो ये बात है जो रात को हमने कुल्फी खा ली है ना वही नहीं कुल्फी कुल्फी मौलवी की हट्टी से जो रात को दिलवाई थी वो भाई को बहुत पसंद आई है तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं कोई और स्क्वाड और पोठी चावल भी भाई को खिलाएंगे और अमीन कबाब हाउस तो मस्ट है मीरपुर में आए और अमीन कबाब हाउस में खाए तो फिर नहीं हम देंगे तो अभी भाई को करवाते हैं नाश्ता और फिर इनको देखते हैं कि नाश्ता यहाँ का कैसा लगा हमारे थे काका पुट्टी चावल खाने लेकिन वो अभी सेटअप कर रहे हैं ये नहीं सामान वगैरह रेडी कर रहे हैं तो हमने सोचा चलो यहाँ से शिकंजी वगैरह पी लेते हैं तो शिकंजी पी के फिर सामने चलते हैं काका पुट्टी चावल की तरफ ये देखें जी ये ब्लॉगिंग हो रही है ये जी अभी शिकंजी पी है और अभी सामने जो है ना काका पोटी चावल पे जा रहे काका पोटी चावल अच्छा जी अभी हम खा के निकले हैं काका पोटी चावल आप इसे पोटी चावल कहते हैं कुछ और कहते हैं यार तो लोबिया चावल सुना होता है लोबिया चावल यहाँ पे लेकिन ये मेरे ख्याल इन्होंने बनाया इसको डिफरेंट स्टाइल में ना दाल स्टाइल में बनाया हुआ है दाल स्टाइल में लोबिया कहते हैं पोटी कहते होंगे हम इसको पोटी कहते हैं जो सिर्फ लोबिया है इसको यहाँ पे पोटी कहते हैं अगर आपने बाजार सिर्फ लोबिया लेने जाना हो तो उसे कहते हैं कि एक किलो पोटी किलो पोटी दे दो अच्छा बस फिर ठीक है फिर वो आप लोबिया कहते हैं इसका लोबिया कि डिश का नाम नहीं है लोबिया अगर हम कश्मीरी जबान में होगा इसको हम पोटी कहते हैं कश्मीरी जबान इसे पोटी कहते हैं बहुत मजे की चीज़ है मज़ा आया बहुत मज़ा तो अभी नेक्स्ट किसी जगह पे चलते हैं वो भी आपको साथ दिखाते हैं और साथ साथ रिव्यू लेते रहेंगे कि इनको चीज़ पसंद भी आई है कि नहीं मैं फिर भी सच तो बताना चाहिए आम को कि कोई आए हमारे यहाँ हलवा बड़ी का बताया हलवा बड़ी में चने अच्छे नहीं थे चने अच्छे हलवा भी बहुत अच्छा नहीं था लेकिन दही के साथ डाल के हल्दी के साथ मिला के पूरी पूरी खुद अच्छी थी लेकिन पूरी जो बाकी चीज़ थी ना उसका इंसाफ लवाजमात नहीं थी वो इंसाफ नहीं कर रहा था तो वो ठीक था लेकिन ये अच्छी चीज़ है यार चलें फिर अभी आगे चलते हैं और मज़ीद इससे अच्छी चीज़ें आपको चलिए अच्छा जी अभी मैं आया हूँ कराची नसीब बिरयानी पे ये मैं पहले भी एक दो ब्लॉग में इसको कवर कर चुका हूँ लेकिन आज मैं अपने साथ गेस्ट लेके आया हूँ मीरपुर पूरे के ये मेहमान हैं तो इसलिए इनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे अच्छा जी अभी बिरयानी खाई है और खिलाई है बिरयानी साग भाई कैसी लगी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बिरयानी है बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी लेकिन अच्छी बिरयानी है तो बिरयानी नहीं होती बिरयानी की टाइप्स होती है ठीक है उन टाइप्स के अंदर से एक ही बिरयानी है जो कि अच्छी बिरयानी है मज़ेदार बिरयानी है अच्छी बिरयानी ओवरऑल इसे आप मीरपुर की अगर कोई मीरपुर आए तो ये ट्राई करनी चाहिए और बिरयानी खाना चाहिए तो ये खा ले डन हो गया फिर खानी है अभी लाजमी हाँ ये अभी हम आए हैं अमीन कबाब हाउस पे और ये देखें साकिब भाई को मैं साथ लेके आया मैंने कहा आप याद करेंगे आपने कोई मटन टिक्का खाया है
पूरे पाकिस्तान में। मटन टिक्का, मटन टिक्का, और अगर चिकन टिक्का, चिकन रोटी है जी, जी तंदूर लगा हुआ माशाल्लाह। ये है मलाई रोटी, ये मलाई रोटी है माशाल्लाह। यार मसालों में बहुत बड़ी कमाल आ रही है, देखो मक्खन जायका इससे भी कमाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मसाले आप खुद पीसते हैं जी, मसाले होंगे आपने खुद पीसते हैं। क्विक सर्विस, फूड सर्विस, सर उसको कितना नंबर? नो क्यों काटा ए, क्यों काटा पहले अच्छा जी अभी अमीन कबाब हाउस ट्राई किया और साकिब भाई को भी ट्राई किया। साकिब भाई कैसा लगा? जो मैंने बोला था वैसा ही है या वैसा थोड़ा सा उससे कम है? ओ भाई उससे भी ऊपर की चीज है, उससे ऊपर की चीज है, तो मजा आया बहुत। पैसे वसूल, पैसे वसूल, सब कुछ वसूल हो गया। तो इंशाल्लाह फिर कभी आप मेरे को आए बस हम तो मान जाए, अब बाकी देखने वाले भी ने जो जो चीज कही है ना यकीन माने ये जी अभी हम आ गए हैं बोटिंग करने एक्वाइन वाटर स्पोर्ट्स क्लब। हाँ ये मंगला डैम है सारा, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, इसकी कोई जरूरत वैसे नहीं थी। थैंक यू सर। अच्छा जी ये अभी हम मंगला डैम में, ये एक्वा वाटर स्पोर्ट्स क्लब और ये मंगला डैम की फिश। चलो जी हम अपना रिव्यू करते हैं। ये साकिब भाई के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। साकिब भाई कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बस आप खुश हम भी खुश। तो अभी साकिब भाई ट्राई करेंगे फिश, तो फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी अभी हम मंगला डैम के बिल्कुल मिडिल में बैठे हैं और संगारा मछली हमारे सामने पड़ी हुई है। थोड़ी सी हमने खा भी ली है, इतनी भूख लगी हुई थी, हमने कहा चलो पहले थोड़ी सी खा लेते हैं तो थोड़ी सी हमने खाई है। धूप तो काफ़ी तेज़ है लेकिन जो इस माहौल का मज़ा आ रहा है और हमारे सामने फिश भाई फुल वी आई पी प्रोटोकॉल आई है। ये चेक करो सीन अगर आप थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा पीछे जाके दिखा सके ना, ये टेबल लगा हुआ है जहाँ पर आज तक टेबल लगा नहीं है, ये पैसेंजर बोर्ड है। हमने स्पेशल इसके अंदर पेगल लगवाया, चार सीट उस तरफ है, चार सीट इस तरफ है और डैम के एकदम दरमियान में तकरीबन मौजूद है। ये पीछे इधर देखो, ये इधर तो आती है, आती को नहीं देखना आपने, तो इस तरफ जाके हर तरफ चारों तरफ पानी है। पानी के अंदर जो मछली होती है हमने निकाल के पानी के अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह पाक ने हमें टेबल के ऊपर तली तली तंदूरी फिश मार सामने तैयार होके आई हुई है, इसको भी ट्राई करते हैं। और ये फिश एंड फिश से हमने बनवाई है स्पेशल, उन्होंने कहा कि कुछ खाएँ तो ये संगारा मछली हमने ली है और ये मंगला डैम की स्पेशल मछली है संगारा। बहुत कमाल मछली भाई, बिल्कुल लाइट से मसाले, मछली का अपना फ्लेवर, का अपना टेस्ट, अपना टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बहुत काला है। और आप जब भी आए 100 बंदों के साथ आए उस बोट के ऊपर बैठ के पार्टी करें। फ्लोटिंग फ्लोटिंग राफ्ट पूरी वो भी ये मिडल में आ जाती है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी, उस पर आएँ 8 बंदे इधर बैठ जाएँ वो पीछे पार्टी कर लेंगे। तो जब भी आए एक्वाइन वाटर स्पोर्ट्स क्लब के आए और ये मछली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे सामने फिश एंड फिश, वो भी नहीं गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आए तो आपको फुल वी आई पी प्रोटोकॉल। ये फिश ये बची इस पर रायता, इस पर थोड़ा सा रायता लगाते हैं ये तो भाई बहुत खुशी कर इस तरह। हाँ जी हिली नहीं है पूरा, हिल झटका लगा डोल पे।
वो कहते हैं हाथी पानी में जाएगा तो क्या होगा पता है? पानी बाहर आ जाएगा, हाथी गीला आ जाएगा। रहते के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा भाई। अब सही चेस आई है, आ गया ना, रायता ने किसी वजह साथ दिया था। बहुत एंड लेवल टेस्ट है इसका। अच्छा जी, अभी हमने फिश वगैरह खा लिया, फुल एंजॉय कर लिया, कमाल हो गया। तो अभी यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो सक भाई आप बताएं आपको आज का दिन कैसा? सर बहुत कमाल, मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी का बड़ा मेमोरेबल दिन। कोशिश तो की है कि आपको यादगार दिन बनाए, ऐसा ही है। आप याद करें जब भी आपको मीरपुर का नाम आए तो आपको हमारी ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा जब फैमिली के साथ कभी यहाँ पे आऊँ पर लाजमी का एक्सपीरियंस करूँ। लाजमी आए और हमें लाजमी बता के आए, जरूर आपको बता सब कुछ पहले से हम जो है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं तुम दस रहा बंदा सही है। इसके जो रिव्यूज है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है, 100% दो नंबर हम रिव्यू करते ही नहीं, मैं जिस तरह आप लोग मेरे रिव्यूज पे ट्रस्ट करते हैं ना, इस बंदे के रिव्यूज पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। चलें अब तो सब्सक्राइब कर दें, अब तो कर लो। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।